कुदरत के विपरीत जाकर लड़के से लड़की बने जोधपुर के सत्यजीत का कहना है कि हर किसी को अपना जीवन जीने का हक है। सत्यजीत से ख्वाहिश बनने तक के सफर को लेकर उनसे बात की हमारे जोधपुर संवाददाता शिव प्रकाश पुरोहित ने। जोधपुर में कुदरत के करिश्मे को चुनौती देते हुए सत्यजीत परिहार से ख्वाहिश परिहार बनने वाले खुद हमारे साथ यहाँ मौजूद है। ख्वाहिश परिहार आई, उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, कैसा उन्होंने महसूस किया, वो क्या करना चाहती है आगे चल। ये बताएं कि आप सत्यजीत से अब ख्वाहिश परिहार बनी हैं, क्या इसका कारण है, क्या इसके पीछे सारी उसके पीछे कारण तो क्या बोल सकती हूँ, उसके पीछे यही कारण था कि मैंने अपने आप को कभी सत्यजीत माना नहीं एक दुनिया की नज़र में। और जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप अपना नाम रखते हैं बच्चों का, तो उनकी नज़र में मैं एक लड़का ही पैदा हुई थी, बट मुझे पता था कि मैं अंदर से क्या हूँ। तो उनके तौर तरीके से एक सत्यजीत थी, बट मेरे अंदर से जो एक आत्मा थी वो एक लड़की की थी, तो मैंने अपने आप को कभी लड़का समझा ही नहीं। एक लड़की का जीवन जीना अपने आप में एक चुनौती होता है आज के समाज में, लेकिन आपने इस चुनौती को स्वीकार किया है, कैसा महसूस करते हैं, किस तरह आप इसको देखती हैं? हाँ, जब मैं लड़का थी तो मैं लड़कियों को बोलती थी कि मैं तुम्हारी तरह होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, खास मैं भी लड़की होती तो। लड़कियाँ बोलती थी, मेरी फ्रेंड्स जो थी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स, तो बोलती थी कि है ना लड़की दिखने में अच्छा है, उनकी लाइफ बहुत क्रिटिकल है, बहुत हार्ड लाइफ है, बहुत प्रॉब्लम्स होती है लड़कियों की लाइफ में, ये बंदिशें होती है, ऐसा रहना पड़ता है, वैसा रहना पड़ता है। तो मैं बोलती थी कि यार मैं लड़की बनूंगी, सब हैंडल कर लूंगी, और आज मैं लड़की बनी हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसा कोई तकलीफ नहीं है और आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। तो यह थे ख्वाहिश परिहार, जिनका यह कहना है कि सभी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है और समाज में चाहे नारी हो पुरुष, सभी को बराबर का समान अधिकार देना चाहिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए जोधपुर से समीर खान के साथ शिव प्रकाश पुरोहित।